अब हमारे पास मौजूद हैं सैयद मजहर मोइन, ये फाउंडर हैं स्मेला ग्रुप ऑफ कंपनीज के और एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी में भी जो है वो लीड कर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इनको बुलाने से पहले मैं एक शेर बोलना चाहूंगी कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, तब ख्वाब के पर्दे से इंसान निकलता है, तब ख्वाब के पर्दे से इंसान निकलता है। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है सैयद मजहर मोइन साहब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया शाहिद कुरैशी साहब ने, और ये शॉपर जोन कोई एक नई प्लेटफॉर्म है जिसके हवाले से हमें साथ तमाम फ्रीलांसर्स को यहाँ बुलाया गया। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने प्रोफेसर साहब को सुना और दो स्पीकर्स को और सुना जिनके नाम मुझे नहीं पता, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक ताल्लुक जो रहा एजुकेशन सेक्टर से रहा इंटर के बाद से, मैट्रिक किया उसके बाद इंटर किया, इंटर के बाद एक जगह गए वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया, उसके बाद फिर पढ़ने गए, पढ़ने के बाद हमें बुलाया गया कि आप ट्रेनिंग करवाएं, तो फिर करते करते इसमें अराउंड 17-18 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक मैं कर रहा हूँ। मेरी अपनी एक अकेडमी भी है जो मैं रन कर रहा हूँ सर मजहर इंग्लिश लर्निंग अकेडमी के नाम से। दूसरी बात ये कि एक बात बड़ी प्यारी कही थी, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, स्पीकर जो प्रोफेसर साहब से पहले आए थे, कि जो बिजनेसमैन होता है ना उसमें कुछ चीजें बिल्टन होती हैं, वो काम अगर जॉब भी कर रहा होता है या कोई सर्विसेज कर रहा होता है तो उसका अपना एक विजन होता है, क्योंकि सोच होती है तो उस हिसाब से उसकी सर्चिंग शुरू होती है, सर्चिंग क्योंकि सर्च करता है फिर उसमें एजुकेशन लेता है, वो सुनता है सक्सेस को सुनता है, ऐसे भी है कुछ जो अनसक्सेस भी होता है फील्ड के अंदर। इसी तरीके से मैं जब एजुकेशन में था 2013 के अंदर, एक ऐसा भी होता है जब आप कारोबार करते हो उसमें जब आप जॉब करते हो ना उस जॉब को आपको इतनी सिंसियरिटी से करना चाहिए जैसे एक इबादत करते हैं अल्लाह की खास, आप जब खास इबादत करते हो आपका एक मोटिव होता है, आपका डिवोशन एक होता है कि खास अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, और अगर आप नौकरी इस तरह करते हो या जॉब इस तरह करते हो या अपने काम को इस तरह सर अंजाम देते हो तो इसका मतलब आप अपने आप से सिंसियर हो, आप उस काम से सिंसियर हो, फिर उस काम से आपकी आगे लीड बनती है, मजीद लोग आपको पूछते हैं बैक टू बैक, फिर उसकी एडवोकेसी होती है, फिर कस्टमर रिटेंशन होता है, यहाँ से कस्टमर रिपीट होता है तो आपका एक मोराल हाई होता है, आप आगे बढ़ते हो। इन शॉर्ट उसके बाद कारोबार कर रहे थे, फिर कुछ रैंसम थ्रेट्स थे बत्ते वगैरह, अनफॉर्चुनेटली यहाँ के मामला ऐसे थे, उसके बाद टीचिंग करियर को आफ्टर 13-14 ईयर्स गुड बाय करना, इतना इट वॉज नॉट ईजी, इतना आसान नहीं था, फिर उसको छोड़ा आगे बढ़े, आगे गए तो कंपनीज ने कहा हमें पढ़वाना नहीं है काम करवाना है आपसे, तो आप क्या जो जानते हो इस तरह कोई काम कर सकते हो जिसको आगे आप डिलीवर कर सको। मेरा 3 मंथ्स का प्रोबेशन टाइम था, उन्होंने कहा नहीं आप पहले प्रोबेशन पे रहे 3 मंथ्स के बाद फिर आगे बढ़े। उसके बाद मुझे पता लगा कि यार अपना कुछ करना चाहिए क्योंकि नौकरियों में ऐसा ही है, अभी भी जो जफर अब्बास एक बात कहता है वो ये कहता है कि सुबह 7:30, 8, 8:30 जो लोग निकलते हैं टाई सूट बूट पहनकर वेल ड्रेस्ड होकर तो उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं 35-40-45-50 एवरेज, इसमें इस जो इन्फ्लेशन रेशियो चल रहा है इसमें कुछ भी नहीं होता उस पैसों से, ठीक है। उस वक्त मैंने एक अपनी एक सोच बनाई कि काम अपना करना चाहिए जॉब के बजाय, तो फिर मैंने वहां पर एक अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की स्मेला मार्केटिंग के नाम से। स्मेला क्या मतलब हुआ, वही मैंने जो सबसे पहले एकेडमी बनाई थी सर मजहर इंग्लिश लर्निंग एकेडमी, वो एप्लीकेशन उसमें से डॉट्स हटाए तमाम अल्फाबेट्स कैपिटल में, उसको मैंने फिर स्मेला मार्केटिंग से रजिस्टर्ड किया और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्मेला इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कंपनी रन कर रहा हूँ, स्मेला मार्केटिंग चला रहा हूँ, अपनी एक अकेडमी चला रहा हूँ, एक होम डिकोर भी चला रहा हूँ फ्रीलांस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरा जो बूम है वो है इस रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर, मार्केटिंग के बारे में मैं बेसिकली प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर काम करता हूँ, स्कीम 33 आपने सुना होगा जहाँ मवेशी मंडी लगती है सारा इलाका, इससे आगे जो अबुल हसन इस्फहानी ऑनवर्ड्स आगे जाते हैं तो पूरा स्कीम 33 लगता है, हम जो लीड कर रहे हैं वो स्कीम 45 को लीड कर रहे हैं जो म्यांमार मोड़ से आगे जाता है पूरा नॉर्दर्न बाईपास, क्योंकि कराची में ये जगह इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट है लोग आगे जा रहे हैं, पहले माइंड सेट ये था लोग स्कीम 33 आना नहीं चाहते थे आज से 10 साल पहले, अब
क्योंकि यहाँ पर 120 गज का प्लॉट आप लेने जाते हो स्कीम 33 के अंदर, स्कीम 33 में 1 करोड़ 20, 25, 30, 40 ये इसके आसपास मिलता है। वहां पर इस वक्त जो प्लॉट मिल रहा है आपको इंस्टॉलमेंट में लोन लेना चाहे 2 लाख रुपए एडवांस, 10,000 रुपए महीना किस्त में मिल जाता है। मेरे वाले साहब ने आज से 9 साल पहले प्लॉट लिया था, उसकी मिल्कियत यही थी कि मालियत थी उसकी 9 से 10 लाख रुपए, आज वो तकरीबन 2 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब है इस वक्त करंटली। तो मैं इसको लीड कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ फ्रीलांस करना चाहे, अपने साथ किसी को लेकर आना चाहे, वो सारा तरीका मैं बताऊंगा कौन कौन सी सोसाइटीज। हम तमाम उन सोसाइटीज पर काम करते हैं जिनकी तमाम लीगैलिटी 100-200% हो, राइट। एक चाइल्ड एनक्लेव एक प्रोजेक्ट है स्कीम 45 पे गौर के साथ, उस प्रोजेक्ट को हम लीड कर रहे हैं। वहां पर शंग्रीला सिटी का नाम चल रहा है, उसको हम लीड कर रहे हैं स्कीम 45 के अंदर। स्कीम 45 में अगर आप ये काम करना चाहें, क्योंकि ये मिडमैन का काम होता है, मिडिलमैन जो होते हैं वो एक बायर और सेलर के बीच में होता है, वो उसको टच करवाते हैं, ब्रिज का रोल प्ले करता है और उसमें से हैंडसम अमाउंट अर्न करता है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि 10 मंथ्स में 10 महीने, वैसे एक मंथ में भी आप 1 मंथ में 1 मिलियन कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर इतनी वास्ट फील्ड है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर। आपको ये मेरा नाम सैयद नजर मोइन है, आप अगर इसके तवस्सुस से काम करना चाहें प्रॉपर्टी के अंदर तो बिल्कुल मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फ्रीलांस आप काम कर सकते हो उसके अंदर। अपने आपके जो भी काम है आप सिर्फ उसको अपने जो भी आपका सोशल नेटवर्क है व्हाट्सएप के जरिए, लोगों के फेसबुक पर पेजेस बने हुए, आज लीड्स जनरेट करना बहुत इजी है, लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं, आप फेसबुक पेजेस है आपके पास, आपका अपना सोशल नेटवर्क होता है, आप बूस्ट करवाते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज बहुत सारी बनी हुई है जो आपसे चंद अमाउंट चार्ज करती है और आपको प्रमोट करती है मार्केट के अंदर, स्पॉन्सर करती है मेरे को, ठीक है। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाह रहा था फ्रीलांसिंग जो करना चाहे, बहुत सारे लड़के काम भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम के लिए तो सबसे बेस्ट है फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांस कोई भी काम कर सकते हो। मैं देखे इसमें फेलियर भी आता है, मैं 3 बिजनेसेस में फेल भी हुआ हूँ। मैंने कैटरिंग का काम किया था, एक कुछ काम ऐसे होते हैं लोग क्या थोड़ा सा तजुर्बा लेते हैं फिर उसको इनिशिएट लेते हैं, उसका पूरा पूरी नॉलेज नहीं होती। मैं अपने हाथ से जो काम नहीं कर सकता उसमें फेलियर बहुत ज्यादा होता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कैटरिंग का बिजनेस किया एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में, 6-7 मंथ से मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि वो काम मैं हाथ से नहीं कर सकता था, मुझे फॉर्मूलाज नहीं आते थे, तो काम पकड़ कर देता था बीच में, वो मुझे 1,500-2,000 रुपए लेते थे और रात 3 बजे तक काम ले लेता था बंदा जिस कैटरिंग वाले के साथ काम कर रहा था, तो वो बिजनेस हमने बंद किया। दूसरा मैंने इंजीनियरिंग का एक काम खोला था जिसमें वेल्डिंग का काम आप जानते होंगे, उसमें मैं सारा फैंसी काम करता था, उसकी नॉलेज ली पहले, उसकी जॉब की 1 साल पूरा जॉब किया मैंने, उसको पूरा समझा, सो एमएम ये सारी चीजों के डिफरेंसेस आए, स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड ये सारी चीजें जब देखी, उसके बाद कई मैंने फैंसी काम किए जिसमें बैंक्वेट्स के काम किए, डिफेंस के अंदर कई बंगलोज के काम किए। वहां मेरा सबसे बड़ा फेलियर क्या था, फेलियर क्यों बता रहा हूँ ताकि उससे आप देखें कि मसला क्या है। वहां मैं सिर्फ जो मेरा फेल होने की वजह थी कि मैं वेल्डिंग स्पॉट खुद नहीं लगा सकता था, मैं बेस कर रहा था किसी वेल्डर के ऊपर, मेरा जो टोटल जो मैं बेस कर रहा था कि वेल्डर है इससे मैं अच्छी बनाकर रखूं, उसमें फिर ब्लैकमेलिंग भी होती थी, उन्हें हर थोड़े टाइम में पैसे चाहिए होते थे, नहीं देते तो फिर कुछ नुकसान कर देते, चीजें गायब हो जाती थी, ये सारे मसले है। इंजीनियरिंग मैंने तकरीबन 1.5 साल में वो कंपनी बंद की, मगर मेरा ये वाला इंजीनियरिंग इस वाला मार्केटिंग चलता रहा, इंजीनियरिंग बंद हो गया, कैटरिंग बंद हो गया, ऑर्डर आज भी आते हैं तो हम दे देते हैं। सही है, टोटल फ्रीलांसर्स मैं कहता हूँ आज यूथ क्या छोटा बच्चा, ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लड़के हैं हमारे पास, लड़कियां हैं जो यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, मजाक करकर, जो नादिर अली एक लड़का ही 54 पता होगा जो प्रैंक करता है, मेरा विश था कि उससे मिलूं, तो एक उसमें कोई प्रोग्राम कर रहा था वहीं से गुजर हुआ मेरा, गुलशन में रहायश है उसकी, तो वहां मैंने देखा उसके साथ मैं एंगेज हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर मैं खुद भी इन्वॉल्व हुआ कि एक मौका मिला उसे, उसको अवेल करो। देखो जो अवेल करने की चाहत रखता है ना उसके लिए रास्ते बनते हैं, अप्स एंड डाउन जरूर है मगर रास्ते बनते हैं, वो मिलता है लोगों से मशवरे करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अगर फ्रीलांस प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा पैसा है प्रॉपर्टी के अंदर करना चाहे, स्कीम 45 बिल्कुल आपके पास है, इसके अलावा M9 पे जितने बहरिया के बाद जितनी सोसाइटीज है ये बन रही है, इस पर आप काम करें, इस पर इंशाल्लाह ताला रिबेट बहुत अच्छा होता है, कमीशन बहुत अच्छा होता है इसका, आप बहुत ग्रो करते हो इसके अंदर, ठीक है।
थैंक यू।